सूबा सरकार दे वलों लोकां दे हितां नूं मुख रखदे होए करफ्यू हटा के लॉकडाउन कर दिता गया, लोकां नूं राहत दिती गई। लुधियाना दे पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया ते एक बयान जारी करके कहा है कि लुधियाना दे विच वड्डी गिणती च प्रशासन दे वलों लोकां नूं कामकाज करन दी ढिल दिती गई है, जिसका लोग फायदा चुकन अते अपने दायरे दे विच रह के नियमां दी पालना करके अपने काम करन तां जो प्रशासन जां लॉ एंड ऑर्डर दे जो हालात ने उह खराब ना हो सकन। जिके खास है कि उन्हां दा साफ तौर ते यह कहना है कि जेकर कोई उलंघना करदा है तां उस दे उत्ते कारवाई होवेगी। मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि हुण काफ़ी सारी रिलैक्सेशन सरकार वालों दिती गई है, उस रिलैक्सेशन का आपां मिसयूज़ नहीं करना। ये रिलैक्सेशन इस करके दिती है कि अपनी लाइफ स्लोली स्लोली नॉर्मल एसी वल्लू जावे। एंड हुण पुलिस का जिहड़ा काम है वह डबल हो गया है पहले नालों भी, क्योंकि पहले तो बिल्कुल मूवमेंट ट्रैफिक दी रोड्स ते नहीं सीगी, हुण असी ट्रैफिक दी मूवमेंट नू भी देखना है। एंड नाल ही ये भी देखना है कि सोशल जो कोविड दे जो नॉर्म्स हैं मास्क दे सोशल डिस्टेंसिंग दे उन्हां नू भी लोग फॉलो करन। इहदे लई मैं लोगों को अपील करांगा कि जदों भी तुसी निकलदे हो मास्क पा के निकलो, 2 मीटर दी डिस्टेंस बना के रखो, सैनिटाइजर्स का यूज़ करो, हाथ वगैरह अपने वॉश करते रहो। एंड जिहड़े व्हीकल्स हैं खासकर जिहड़े 2-व्हीलर्स हैं उन्हां दी असी कोई भी वायोलेशन जिहड़ी नॉर्म्स दी वो टॉलरेट नहीं करांगे। कोई भी 2-व्हीलर ते जे एक बंदे तो वध सानू मिल गया असी इमीडिएटली उसनू इंपाउंड करांगे, FIR दर्ज करांगे। एंड 4-व्हीलर्स दे विच जिदा नॉर्म बनाया गवर्नमेंट ने कि 1 ड्राइवर एंड 2 पैसेंजर्स अलाउड हैं, जे इस दी कोई भी उल्लंघना करेगा असी उस दे उपर सख्त तो सख्त FIR दी धारा लगावांगे ताकि दूजियां नूं भी सबक मिले। क्योंकि असी नहीं चाहते कि जिहड़े 55 दिनों दे विच 60 दिन दे विच असी जो लीड ली है इस लड़ाई दे विच जो असी जित हासिल कीती है वो वेस्ट जावे। तुहाडे सारयां दा सहयोग सानू चाहीदा है। एंड थोड़ा जिहा समां रह गया इस लड़ाई नू जितण लई, 15-20 दिन मैं समझदा कि जे आपां सारे ध्यान रखिए ते आपां नूं सारयां लई इह वधिया गल रहिणी है। एंड जो कुछ असी हासिल कीता है कंटेनमेंट करके रखा इस बीमारी नूं, असी उस मकसद दे विच सफल हो पावांगे। तुहाडे सारयां दी मैं सहयोग दी आस करदा। तो अज असी स्पेशल लुधियाने दे विच नाके लगाए हन शाम नूं 5 बजे तो लैके 9 बजे तक। इहदे विच असी अवेयरनैस करांगे सारे ही दुकानदारां नूं, जिदा दुकानां दा टाइम रख्या होया है कि सवेरे 7 बजे तो लैके 6 बजे तक खुल सकदियां शाम नूं, ते 6 बजे तो बाद तुसीं दुकानां बंद कर लेनी है। एंड जिहड़ी गड्डियां दी मूवमेंट है सवेरे 7 बजे तो लैके शाम नूं 7 बजे तक है। शाम नूं 7 बजे तो बाद जिहड़ी भी गड्डियां होणगियां उन्हां नूं असीं इमीडिएटली FIR दर्ज करके इंपाउंड करांगे। इहदे विच फिर तुसीं इह ना कहना कि जी पुलिस जाती करदी है, क्योंकि तुहानूं 12 घंटे दा असीं समां दित्ता है अपना काम करन लई। फिर ना तुसीं इमरजेंसी शो करना कि जी सानूं 7 बजे तो बाद कोई इमरजेंसी सीगी। जे तुहाडी कोई इमरजेंसी है तुसीं दिन दे टाइम उस चीज़ नूं पूरा कर लवो ताकि असीं एक स्ट्रिक्ट करफ्यू इनफोर्समेंट जिहड़ा नाइट करफ्यू असीं लगा रहे हैं उहदे विच पुलिस दा काम ईजी हो जाए। जे कोई तुहाडी वाकई कोई मेडिकल इमरजेंसी इस तरीके की है कि 7 बजे तो बाद ही पैदा हुई है उस लई तुसीं गड्डियां यूज़ कर सकते हो, लेकिन रूटीन का जो कोई जो काम है कोई फैक्ट्री तो वापस आ रहा है, कोई दुकान तो वापस आ रहा है, कोई कितने जाना है, वो तुसीं दिन के टाइम सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 7 बजे तक ही प्लान करो। उस तो बाद साडी सख्ताई अज तो बहुत ज़्यादा चालू हो जानी है। ये सारयां नूं विनती भी है, रिक्वेस्ट भी है, तो हुक्म भी है। तुसीं इस हिसाब नाल साडा अपना काम करके लुधियाने पुलिस का सहयोग दिवो। जय हिंद। लुधियाना तो कुलबीर राही दी स्पेशल रिपोर्ट दे नाल, ब्यूरो रिपोर्ट दा टीवी NRI।